बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम 9th स्टैंडर्ड का जो साइंस ग्रुप का मैथ है वो शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 जो है वो डिस्कस करेंगे। तो उसमें जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये जो उसने हमें मैट्रिसेस दिए हैं इनके ऑर्डर हमने बताने हैं। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्डर हम किसको कहते हैं। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स मींस नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स की तादाद को ऑर्डर कहते हैं। हॉरिजेंटली जो एंट्रीज होती हैं वो रोज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, और वर्टिकल एंट्रीज जो हैं वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करती हैं। अब इसमें जो आपकी कॉपी की लाइंस हैं वो हॉरिजेंटल फॉर्म में होती हैं, तो लिहाजा मैट्रिक्स में जितनी आप लाइंस यूज़ करेंगे उतनी मैट्रिक्स की रोज़ होंगी, और हर लाइन के ऊपर जितने नंबर्स लिखे जाएंगे उतने कॉलम्स होंगे। जैसे कि ये ए मैट्रिक्स है, तो ये आप सपोज़ ये कॉपी की फ़र्स्ट लाइन है और ये सेकंड लाइन है, इसका मतलब इसमें दो लाइंस यूज़ हो रही हैं। तो इसकी इसमें जो रोज़ हैं ए में रोज़ जो हैं वो टू हैं, और कॉलम देखें आप, कॉलम वैसे हम वर्टिकली इस फॉर्म में ऐसे देखते हैं। तो आप इस तरह याद रखें कि जो आपकी लाइन है कॉपी की उसके ऊपर कितने नंबर आए, इसमें 1 2 दो नंबर आए। तो जो कॉलम्स हैं कॉलम्स भी इसमें 2 हैं। तो जितनी कॉपी की लाइंस होंगी वो नंबर ऑफ रोज, और हर लाइन के ऊपर जितने नंबर लिखे जाएंगे वो नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 by 2, इस तरह भी लिख सकते हैं हम, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 by 2। इसी तरह बी का ऑर्डर बताना है हमने, तो बी में भी आप देख सकते हैं 2 कॉपी की लाइंस यूज़ हो रही हैं, यानी कि 2 रोज़ हैं, और हर लाइन में 2 नंबर्स 2 एलिमेंट्स हैं, इट मींस के 2 ही कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर भी जो है वो क्या है, 2 by 2, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 2 by 2। सी मैट्रिक्स का ऑर्डर देखते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी। अब इसमें एक ही लाइन यूज़ हो रही है, इट मींस के इसमें एक ही रो है, और लाइन में 2 नंबर्स हैं, 2 अलग अलग एंट्रीज हैं, तो जो कॉलम्स हैं कॉलम्स इसमें 2 हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 1 by 2। पहले हम रोज़ की तादाद लिखते हैं ऑर्डर में, फिर कॉलम्स की। डी का जो ऑर्डर है इसमें देखें कितनी लाइंस यूज़ हो रही हैं, 1 2 and 3। तो इसमें जो रोज़ हैं डी में वो है 3, और कॉलम्स हर लाइन में एक एक नंबर यूज़ हो रहा है, तो कॉलम्स जो है वो इसमें वो है 1। तो डी का ऑर्डर हमारे पास आ गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी इज 3 by 1। ई का ऑर्डर जो है इसमें रोज़ काउंट करते हैं, 1 2 3, तो 3 रोज़ आ गई, और जो कॉलम्स हैं 1 2, हर लाइन में 2 एंट्रीज हैं तो 2 ही इसमें कॉलम्स हैं, तो ई का ऑर्डर आ गया 3 by 2। एफ़ में एक ही लाइन है और उसमें एक ही एंट्री है, तो एक रो और एक कॉलम है, इसका ऑर्डर है 1 by 1। जी में 1 2 3, 3 रोज़ हैं और कॉलम्स 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं, तो जी का ऑर्डर आ गया 3 by 3। एच में 1 2, 2 रोज़ और कॉलम्स 1 2 3, तो एच का ऑर्डर आ गया 2 by 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें हमने ऑर्डर बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है,
क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में हमने बताना है कि इनमें से इक्वल मैट्रिसेस कौन से हैं। इक्वल मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होते हैं जिनका ऑर्डर ऑर्डर सेम हो और जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी सेम होनी चाहिए। ऑर्डर भी सेम हो और जो एंट्रीज हैं सेम पोजीशन वाली एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए, यानी कि जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी सेम होनी चाहिए। तो पहले हम इन सब मैट्रिसेस का ऑर्डर लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ ए, एक ऑर्डर जिस तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ऑर्डर सीखा है, तो एक ऑर्डर है 1/1, ऑर्डर ऑफ बी, बी का ऑर्डर है जी 1/2, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी, सी का ऑर्डर है, अब ये अलग अलग वैल्यूज नहीं है, ये 5-2 तो ये एक ही एंट्री है, तो इसका ऑर्डर है 1/1। अगर तो ये ऐसे होता 5 और स्पेस के साथ आगे होता -2, तो फिर ये दो अलग अलग एंट्रीज होनी थी, फिर इसका ऑर्डर होना था 1/2, लेकिन ये एक ही एंट्री है जिसे लिखा हुआ है 5-2, तो ये इसमें एक ही रो और एक ही कॉलम है, तो सी का ऑर्डर है 1/1। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी, डी का ऑर्डर, अब ये देखें इन दोनों नंबर्स में स्पेस है तो दो अलग अलग एंट्रीज हैं, तो इसका ऑर्डर है 1/2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई 2/2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एफ 2/1। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जी, अब ये 3-1 ये एक एंट्री है और 3+3 ये भी एक एंट्री है, तो फर्स्ट रो में भी एक एंट्री है, सेकंड रो में भी एक एंट्री है, तो इसका ऑर्डर है 2/1, इसमें दो रोज और एक कॉलम है। नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एच इज 2/2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आई इज 1/2, एक इसमें रो है और दो इसमें कॉलम है, एक लाइन यूज़ हो रही है और दो एंट्रीज यूज़ हो रही है, ये 3 है और ये एंट्री 3+2 है, इसलिए इसका ऑर्डर है 1/2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जे इज 2/2। अब इनमें पहले हम देखते हैं कि किन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, जैसे आप देख सकते हैं कि ए और सी का ऑर्डर जो है वो सेम है, ऑर्डर तो सेम है, अब इनकी एंट्रीज देखते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज, ए की एंट्री है 3, ए में जो ए की एंट्री है वो 3 है और सी की जो एंट्री है सी में है 5-2, और अगर हम 5-2 को सॉल्व करेंगे तो 5-2 भी क्या आएगा 3, तो इन दोनों का ऑर्डर भी सेम है और इनकी एंट्रीज भी जो है वो सेम है, इट मींस डैट ए इज़ इक्वल टू सी, ए और सी जो है वो इक्वल मैट्रिसेस हैं। अब हम बी का ऑर्डर देखते हैं, बी का ऑर्डर 1/2 है, बी का ऑर्डर और डी का ऑर्डर भी 1/2 है और आई का ऑर्डर भी 1/2 है, इन तीनों मैट्रिसेस का ऑर्डर तो सेम है, बी का ऑर्डर 1/2, डी का ऑर्डर भी जो है वो 1/2 है और आई का ऑर्डर भी 1/2 है। पहले हम बी और डी की एंट्रीज देखते हैं, बी की एंट्रीज हैं 3, बी की फर्स्ट एंट्री है 3 जबकि डी की फर्स्ट एंट्री 5 है, तो ये इस इन दोनों की फर्स्ट एंट्री सेम नहीं है, लिहाजा ये बी और डी जो है वो इक्वल मैट्रिसेस नहीं है, इनका ऑर्डर तो सेम है लेकिन इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो सेम नहीं है, लिहाजा बी इज़ नॉट इक्वल टू डी, बी और डी इक्वल मैट्रिसेस नहीं है। अब बी और आई की वैल्यूज़ देखते हैं, बी की फर्स्ट एंट्री 3 है, आई की भी फर्स्ट एंट्री 3 है, बी की सेकेंड एंट्री 5 है और आई की सेकेंड एंट्री 3+2 है, 3+2 जो है वो भी किसके इक्वल है 5 के, तो बी और आई का ऑर्डर भी सेम है और इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, यानी सेम पोजीशन वाली वैल्यूज़ भी सेम है, लिहाजा जो बी और आई हैं ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं।
बी और डी इक्वल नहीं है, इसी तरह डी और आई भी इक्वल नहीं है, क्योंकि डी और आई की एंट्रीज़ भी जो है वो सेम नहीं है, ऑर्डर सेम है लेकिन एंट्रीज़ जो है वो क्रॉसपॉर्डिंग एंट्री सेम नहीं है, तो बी और आई जो है वो इक्वल मैट्रिसेस हैं। इसके बाद हम देखते हैं ई का ऑर्डर है 2/2, ई का ऑर्डर 2/2, एच का ऑर्डर भी 2/2, जे का ऑर्डर भी 2/2, इन दोनों का ऑर्डर तो सेम है। अब देखते हैं क्या ये इक्वल है अभी या नहीं, तो ई और एच की पहले एंट्रीज देखते हैं। ई की फर्स्ट एंट्री 4 है, एच की भी फर्स्ट एंट्री 4 है। ई की सेकंड एंट्री, फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री जो है 0 है, एच की भी फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री 0 है, तो पहली दो एंट्रीज पहली रो दोनों की सेम है। सेकंड रो में ई की जो फर्स्ट एंट्री है वो 6 है और एच की भी फर्स्ट एंट्री 6 है। सेकंड रो की ई की सेकंड एंट्री 2 है और एच की भी सेकंड एंट्री 2 है, तो इट मींस के इनकी क्रॉसपॉर्डिंग एंट्रीज जो है वो भी सेम है, ऑर्डर भी सेम है, देयरफॉर ई इज इक्वल टू एच, ई और ई एच जो है वो इक्वल मैट्रिसेस हैं। अब जे की एंट्रीज देखते हैं, इन दोनों की फर्स्ट एंट्री 4 है, तो जे की भी फर्स्ट एंट्री 2+2 4 है। सेकंड एंट्री, फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री ये भी 0 है। सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री 2+4 6 और सेकंड रो की सेकंड एंट्री 2, तो जे की भी जो एंट्रीज हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज ई और एच के साथ वो सेम है, इट मींस कि ये तीनों मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल है, क्योंकि तीनों का ऑर्डर भी सेम है और तीनों की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। इसके बाद है जी एफ और जी। एफ का ऑर्डर 2/1 है, जी का ऑर्डर भी 2/1 है। एफ का ऑर्डर 2/1, जी का ऑर्डर भी 2/1, इनका ऑर्डर सेम है। अब इनकी एंट्रीज देखते हैं, एफ की जो फर्स्ट एंट्री है वो 2 है और जी की भी फर्स्ट एंट्री देखें 3-1 ये 2 है। एफ की सेकंड एंट्री जो है वो 6 है और जी की भी सेकंड एंट्री जो है वो क्या है 6 है, तो इन दोनों का ऑर्डर भी सेम है और इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या है सेम, देयरफॉर एफ एंड ई आर इक्वल मैट्रिसेस। तो ये सेकंड पार्ट था, सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमने इक्वल मैट्रिसेस के बारे में बताना था, तो वो हमने बताया कि कौन कौन से इक्वल मैट्रिसेस हैं और कौन से इक्वल नहीं हैं। इस एक्सरसाइज का जो थर्ड क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने ए बी सी और डी की वैल्यूज फाइंड करनी है, जबकि ये दो मैट्रिसेस जो है वो इक्वल हैं। इक्वल का मानी है कि दोनों इक्वल हैं, जो पिछले क्वेश्चन में बताया इक्वल मैट्रिसेस वो होते हैं जिनका ऑर्डर भी सेम हो, जिनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री भी सेम हो। ये क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, देयरफॉर ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये लेफ्ट मैट्रिक्स की जो फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री है वो ए प्लस सी है और सेकंड राइट मैट्रिक्स की जो फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री है वो 0 है, ये दोनों सेम है, ये दोनों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है इसलिए ये क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल है। तो इधर से ए प्लस सी आ गया 0 और ये आ गया ए प्लस 2 बी इज इक्वल टू 7, ये आ गया जी सी 1 इज इक्वल टू 3, 4D माइनस 6 इज इक्वल टू 2D। सेम पोजिशन वाली एंट्रीज जो है वो इक्वल हैं, वजह यह है कि क्वेश्चन में ऑलरेडी इक्वल का साइन है जो इस चीज़ को शो कर रहा है कि दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल हैं, देयर फोर देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज आर आल्सो इक्वल। तो इधर से पहले हम सी की वैल्यूज फाइंड करते हैं, -1 दूसरी साइड पे जाएगा तो ये आ जाएगा +1, तो सी का हमारे पास आंसर आ गया 4। इस सी की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये आ गया ए प्लस 4 इज इक्वल टू 0, प्लस 4 दूसरी साइड पे जाएगा तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास -4। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी, ये +2D दूसरी साइड पे आएगा तो -2D और -6 की साइड चेंज करेंगे तो ये आ गया +6, 4D -2D, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2D आ जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो डी किसके इक्वल आ गया 3 के। अब ये जो ए की वैल्यू -4 है ये हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो इस इक्वेशन में एक ही जगह -4 पुट करेंगे, -4 +2b इज इक्वल टू -7, -4 को शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा +4, 2b इज इक्वल टू -7 +4, ये आ जाएगा -3, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, b इज इक्वल टू -3/2। इसको हम इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं कि दोनों साइड्स को हम 2 पे डिवाइड कर दे तब भी यही आंसर आएगा,
इसके साथ कैंसिल हो गया तो बी किसके इक्वल आ गया, -3/2। इस तरह भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरह भी कि ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये थी 1.1 ये एक्सरसाइज, जिसमें आपने 3 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने थे। तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो आज के लिए इतने काफ़ी, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।